बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाहौरी स्टाइल फ्रूट चाट की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत सी चीज़ें आज आपको जानने को मिलेंगी जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा ये सभी बातें जानकर। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान। सबसे अहम बात, जितने भी फ्रूट्स आपके अवेलेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं होती कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये नहीं। एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे, सबसे पहले कटिंग करके इसमें हम खरबूजा ऐड करेंगे एक प्याली, और कटिंग का साइज आप देख लें। अगली चीज है हमारे पास बहुत ही जूसी अंगूर, जिनको मैंने काट लिया था क्योंकि इनका साइज बड़ा था, तो साइज का आपने डिफरेंस देखना है। यह है हमारे पास अमरूद, बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई से कटिंग किए हुए। और अगली चीज है हमारे पास आड़ू, देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज्यादा विटामिन सी के साथ। चले जी, यह है हमारे पास कीवी, बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल, कटिंग का साइज आपका ना सेम होना चाहिए। ये है हमारे पास बनाना, जिनके बगैर आई थिंक फ्रूट चाट अधूरी होती है। इनकी मिठास बहुत अहम होती है इस रेसिपी में। ये है हमारे पास लोकाट, चलें जी। और ये है हमारे पास एप्पल, ये लें। अच्छा, साइज फिर मैं बता दूं, साइज का आपने खासा ख्याल रखना है। स्ट्रॉबेरीज माशाल्लाह खूबसूरती में भी इजाफा करेगी और एक खट्टा मीठा सा इसमें टेस्ट भी लेके आएगी। और अगली सीधा हमारे पास ये क्रीम, टेट्रा पैक ले लें, घर की क्रीम ले लें, दही की बलाई ले लें या दूध की बलाई ले लें, सभी चल जाएंगी, 3 से 4 टेबलस्पून। एक और चीज़ इसमें यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ खट्टी मिट्टी सी, ये है इमली की चटनी, 3 से 4 टेबलस्पून। कुछ चीज़ें एंड पे मैं ऐड करूँगा, ठीक है, वो इस रेसिपी में ऐड नहीं करूँगा मैं, वो एंड पे सर्विंग के दौरान ऐड होंगी, वो भी ध्यान से देखिएगा और मैं बताऊँगा अभी कि वो वहाँ पर क्यों ऐड करें, ठीक है। चलें अच्छे से प्याली को साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें चाट मसाला तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून जाएगा जस्ट, और कोई चीज़ नहीं, बाकी चीज़ें मैं एंड पे ऐड करूँगा। अब जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे तो इस नमक की वजह से जो इस चाट में शामिल था, ये सभी जो फ्रूट है थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेंगे, जिससे अंदर एक शानदार सी ग्रेवी सी तैयार होगी। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर देनी है। कलर कम्बिनेशन का आपने ध्यान रखना है, जब आपने फ्रूट्स को ख़रीदना है, कलर कम्बिनेशन अच्छा होगा तो ऑफकोर्स आपकी रेसिपी भी अच्छी होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कोई प्लेट में डालने के बाद आपने क्या क्या ऐड करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आप कलर कम्बिनेशन देखें और जो मैंने क्रीम ऐड की उसकी आप क्वांटिटी देख लें कितनी है, कि जिससे ये बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई और सभी जो फ्रूट्स हैं वो उसमें तर भी हो चुके हैं। अब आपने एंड पे जाके इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, जिसमें किशमिश शामिल है, जिसमें ये देखें आप, बादाम शामिल है, पिस्ता शामिल है, खजूर शामिल है। एंड पे इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत डिफरेंट लगते हैं। जब आप इस तरह सजा के प्लेट को सर्व करते हैं तो सामने वाला कहता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों में, हमारे खाने में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, और दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।